नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Google Analytics को आप डाटा स्टूडियो के साथ कैसे अटैच करें। जो आप ट्रैफिक रिपोर्ट एनालिटिक्स के थ्रू बनाते हो, उस रिपोर्ट को अब हम डाटा स्टूडियो के साथ कैसे कस्टमाइज करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको सिंपल गूगल पर लिखना है डाटा स्टूडियो डॉट गूगल डॉट कॉम। उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ से आपको सिर्फ ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट है, ये कुछ गूगल के कुछ टेम्पलेट्स हैं। आप देख सकते हो कि इन टेम्पलेट्स के थ्रू हम ऐसे ही रिपोर्ट बना सकते हैं अपनी। यहाँ से मैं सिंपल ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके अकाउंट्स हैं उसको वेरीफाई करना है, और यहाँ पर आपको फिर अपनी प्रॉपर्टी, अकाउंट्स की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। एडीबी कूपन्स मेरे अकाउंट्स की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी एडीबी कूपन्स हैं, उसके अंदर ऑल वेबसाइट है। उसके बाद मैं करता हूँ इसको ऐड। यहां से इसको ऐड टू रिपोर्ट। अब यहां पर आपके डाटा टेबल की फॉर्म में आ गया। अब यहां पर आपके ऐड पेजेस, यहाँ पर आप न्यू पेज भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ये हमारा सिंपल एक पेज है अभी। इसके अंदर आपको अगर मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो आप यहाँ से न्यू पेज ऐड कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जितने पेजेस आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पर डाटा शो हो रहा है, जो गूगल एनालिटिक्स का डाटा है वो यहाँ पर हमारा अटैच हो चुका है। अब हमको यहाँ पर डेट रेंज की फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पर आपके कंट्रोल दिए हुए हैं। ये रहा, ये डेट रेंज का है, डेट रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारा ये फिल्टर है, हम यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेली रिपोर्ट, डेली ट्रैफिक रिपोर्ट। अब यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर दिया, इसकी यहाँ प्रॉपर्टी ओपन होगी। तो यहाँ प्रॉपर्टी के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हैं। हाइपरलिंक लगा सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, आप बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज के चेंजेस करे हैं। इसी प्रकार आपको अगर आपको पूरी लेआउट की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप सिंपल लेआउट पर क्लिक कीजिए। बाहर यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लेआउट का साइज बढ़ा सकते हैं। ये रहा हाइट और विड्थ, मैंने 2000 कर दी, तो यहाँ पर हमारी जो इसकी हाइट है वो 2000 होगी। इसके अलावा थीम आप कलर दे सकते हैं, हमें थीम इस फॉर्म में लेनी है या इस फॉर्म में लेनी है या ब्लैंक चाहिए इस कलर में, तो ये अलग अलग डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर हम व्यू करके डाटा देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा हम एडिट कर रहे हैं अभी। अब हमको यहाँ पर ट्रैफिक देखना है लैंडिंग पेजेस का, कि लैंडिंग पेज के अनुसार यहाँ पर सेशन दिखे। तो हम यहाँ पर गए, इसके हम डाटा प्रॉपर्टी में चेंजेस करते हैं। डायमेंशन में हमारे क्या आएगा, लैंडिंग पेजेस, जो आप एनालिटिक्स में यूज़ करते हो, डायमेंशन, मैट्रिक्स,
सेम डायमेंशन मैट्रिक्स यहाँ भी यूज़ होंगे आपकी। लैंडिंग पेजेस लगाया मैंने, उसके बाद मुझे सोर्स एंड मीडियम चाहिए। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या डाटा चाहिए। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप गूगल एनालिटिक्स को डाटा शेड्यूल में, गूगल एनालिटिक्स का डाटा डाटा शेड्यूल में कैसे शो करोगे, वो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे अटैच करना है। उसके बाद यहाँ मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स में जाके चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आप सेशन सेलेक्ट कर सकते हो तो आपके सेशंस आ जाएंगे। उसके अलावा आपको दूसरी मैट्रिक्स चाहिए यूजर की, तो आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बाउंस रेट चाहिए तो आप बाउंस रेट भी ले सकते हैं। तो जो जो आपके जो 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 आपके मैट्रिक्स हैं, आप कुछ भी मैट्रिक्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब आपको इनको सेंटर पे करना है, तो यहाँ पर स्टाइल में जाके इनको सेंटर में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल चेंज करनी है। हम इनको डाटा को सेंटर पर कर रहे हैं, सेंटर पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बैकग्राउंड, बॉर्डर सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे टोटल नंबर भी यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए, तो यहाँ पर नीचे इसका ऑप्शन आएगा टोटल समरी रो, सो समरी रो। तो यहाँ आपको डाटा दिख जाएगा कि आपके सेशन 358 सेशन है, 344 यूजर हैं जिनका बाउंस रेट ये है। बाउंस रेट हटाना है तो आप यहाँ से बाउंस रेट हटा सकते हैं। अभी आपका लैंडिंग पेज का होम पेज है जिसमें डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, दूसरा आपका पेज ये है, तीसरा पेज ये है, तो आपके मल्टीपल पेजेस यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सॉर्ट हम कर रहे हैं सेशन के बेस पे, आप सॉर्ट कर सकते हो लैंडिंग पेज के बेस पे, यूजर के बेस पे। अभी हम सेशन के बेस पे इसको सॉर्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर यूजर सेलेक्ट करूँ तो यूजर के बेस पे हमारा सॉर्टिंग होगी। इसके अलावा हम यहाँ पर डिफॉल्ट डेट रेंज है, यहाँ पर हम डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक डाटा दिखाना है। ये डेट रेंज हम फिक्स भी कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल डेट्स आती हैं। यहाँ पर लास्ट 30 डेज का, टुडे, यस्टरडे, अगर हम डेट फिक्स करना चाहें तो डेट भी हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, जैसे हम एनालिटिक्स के अंदर फिल्टर लगाते हैं वैसे ही फिल्टर हम यहाँ भी लगा सकते हैं। नीचे सेगमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम सेगमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे हम एनालिटिक्स में लगाते हैं डेस्कटॉप सेगमेंट है या मोबाइल सेगमेंट है, टैबलेट सेगमेंट है। आपको जो भी सेगमेंट आपको लगानी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम डाटा देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर जाना आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। मैं देखना चाहता हूँ ट्रैफिक जैन मंथ का, तो ये जैन मंथ का ट्रैफिक दिखा रहा है कि आपका 358 और 344 ट्रैफिक है। इसके अलावा हम चेक करना चाहते हैं, इसमें पेज में ट्रैफिक ही नहीं है। अभी डेट रेंज डेट के सामने चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब हमने यहाँ पर डेट रेंज फिक्स कर दी थी। हमें डेट को ऑटो करना पड़ेगा ताकि वो इस वाले फिल्टर से रन हो। कस्टम करोगे तो कस्टम के अनुसार आपका जो डेट होगी उसी दिन की दिखेगी जो आप यहाँ फिक्स कर दोगे डेट। ऑटो के अंदर डिफॉल्ट रेंज यहाँ से रन होगा आपका। अभी हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं एक बार जैन से। देखिए आपका ट्रैफिक चेंज हो गया, 21,734, 21,370। अब मुझे अगर चाहता हूँ कि डेट जो है यहाँ पर डेट के इसके अंदर हमको ट्रैफिक जो दिखे वो कल का ट्रैफिक दिखे, तो हम डेट रेंज पे फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पर गए, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद इस पर जाना है, और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई। अब डिफ़ॉल्ट आपका डेट ट्रैफिक कल का ट्रैफिक दिखेगा आपको। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक जो दिख रहा है मेरा इसका सोर्स मीडियम क्या है, तो हम सोर्स मीडियम का फिल्टर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम ये डायमेंशन में दिख रहा है पेज टाइटल, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, हमको सोर्स एंड मीडियम चाहिए।
तो आपका सिंपल सोर्स एंड मीडियम के थ्रू फिल्टर लग जाएगा। अब डाटा चेक करते हैं जेन से। तो ये आपका ट्रैफिक है। अब किस सोर्स एंड मीडियम के थ्रू आया है, तो यहाँ से आप सोर्स एंड मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके डिफरेंट सोर्स हैं, डायरेक्ट है, गूगल है, फेसबुक है। अब मुझे डायरेक्ट चाहिए कि डायरेक्ट से कितना ट्रैफिक आया, तो डायरेक्ट का ट्रैफिक दिख जाएगा। ऑर्गेनिक का चाहिए, ऑर्गेनिक का दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सोर्स मीडियम के अनुसार भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को डाटा शूट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर करेंगे।